What? Railways expansion in 1853 and 4. Lord Dalhousie गवर्नर जनरल थे 1853 में मुंबई टू थाड़े सबसे पहले रेल चलाई गई 34 किलोमीटर ठीक है ये है अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने वाली है तो 1854 में कब 1854 में कहाँ पर सर मुंबई में क्या सेटअप हुई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखो यहाँ रेलवेज और यहाँ पर 1854 में मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल कॉटन की उद्योग के लिए एक फैक्ट्री सेटअप हो गई क्यों रेल कहाँ है मुंबई में वहीं पर कॉटन की फैक्ट्री और कहाँ पर है मुंबई समुद्र के किनारे बात को समझो लिंक करो कनेक्टिविटी को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है कि 1853 में मुंबई टू थाड़े रेलवे का एक्सपेंशन करते हैं उसी टाइम पर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं कॉटन टेक्सटाइल की कहाँ पर मुंबई में रेलवे स्टार्ट कहाँ से रही मुंबई से और मुंबई कहाँ है समुद्र के किनारे क्योंकि सी पोर्ट से ट्रेड होता था पहले राइट इसीलिए मुंबई का जो पोर्ट था वहीं पर इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो हाँ लेकिन इंडियंस को क्या लगता था उस टाइम पर अंग्रेज हमारा भला सोच रहे हैं हमारे लिए रेलवे लाइन बिछा रहे हैं लेकिन उनका पर्पस क्या था देखो जो ऑब्जेक्टिव था वो रेलवे लाइन बिछाना था इंडियन खुश हैं हेल्प कर रहे हैं बट हिडन पॉलिसी जो थी हिडन एजेंडा वो क्या था कि यहाँ से ट्रेड को आसान करना जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान को लूट के सामान को अपने कंट्री में ले जाना ये इनका पर्पस था तो ट्रांसपोर्टेशन क्लियर फिर एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ वो ऐसा टिम्बर की बुड्स क्या है टिम्बर बुड्स टिम्बर की लकड़ी बहुत महंगी आती थी एक्सपेंसिव थी पुष्पा मूवी देखे हो yes, तो उसमें जो बुड्स होती है आप समझ सकते हो कि उस बुड्स की कितनी प्राइस हो सकती है कि मतलब उस बुड्स के चक्कर में लड़ाई हो रही है ट्रक को पटक रहा है कुएं में वेल्स में इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन है ऐसे ये टिम्बर की बुड्स थी बहुत महंगी थी बुड टिम्बर बुड इसलिए गवर्नमेंट ने इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को काटना शुरू किया जिससे फॉरेस्ट क्या धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया और लास्ट पॉइंट और समझो वो क्या है एक क्या है टीक और एक एंड साल इनके जो ट्री है ना ये बड़े बड़े ट्री हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े तो इनका यूज करते थे रेलवे के एक्सपेंशन में क्लियर है और एक बात और जो प्लांट है ना टीक का और साल का जो फॉरेस्ट टिम्बर की लकड़ी का यूज क्या होता है सर रेलवे लाइन होती है ना तो रेलवे की जो लाइन होती है ना पटरी इनके बीच में जो लकड़ी के ये कुछ लगे रहते हैं ना पाइप जैसे टाइप में वो इसी के बनते थे टिम्बर के इसलिए टिम्बर को ये लोग परचेज करते थे तो समझे इम्पीरियलिज्म में कॉलोनियल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी इम्पीरियल गवर्नमेंट की यूनाइटेड किंगडम की इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या मिलेगा यहाँ से सर लेबर ओके फर्स्ट पॉइंट सेकेंड सर कमर्शियल क्रॉप जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हो लाभदायक खेती तो जूट इंडिगो ओपीएम की खेती की उन्होंने नील वगैरह की ट्रेड एंड कॉमर्स में सर टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट किया इन्होंने रेलवे रोडवेज का एक्सपेंशन किया और टिम्बर की लकड़ी और टीक एंड साल और एक बात और क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या है बहुत सारी सिप वगैरह बनानी थी इसलिए इन्होंने क्या किया जो टीक या साल के प्लांट्स हैं ना ट्री उनको ग्रो किया और उनको काट काट के ले गए और कम्युनिकेशन में क्या होता है देखो ट्रांसपोर्टेशन में तो रेलवे रोडवेज हो गए कम्युनिकेशन में सर स्टीम इंजन आ गया टेलीग्राफ आ गया स्टीम इंजन आ गया टेलीग्राफ आ गया और एक जो लेटर वगैरह अपन भेजते हैं टेलीग्राफ ही उसको बोलते हैं ठीक है ये चीज़ें हैं जो इनका पर्पस था क्लियर है क्या है टीक बेटा पेड़ है ये प्लांट है सॉरी ट्री है साल का और टीक का दो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं बहुत साउथ इंडिया पाए जाते हैं ये कहाँ पर साउथ इंडिया में हाँ बिल्कुल कहाँ पाए जाते हैं साउथ इंडिया में जहाँ पर रेनफॉल हैवी होती है बहुत लंबे लंबे होते हैं हाँ 60 मीटर के अप्रॉक्स ये पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक आगे सुनो अब ऐसा करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ सोचा तो होगा क्या प्लानिंग की है सर चलो देखते हैं क्या प्लानिंग की है बहुत इंपॉर्टेंट बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सर ड्यूरिंग रिमेंबर द डेट डियर स्टूडेंट एंड 1865 एंड 1905
फाइव। तीन टाइम पे क्या होता है, यहाँ होता है आई एफ एस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आई एफ एस, जो आज भी एक गवर्नमेंट की एक जॉब है यूपीएससी में, आई एफ एस, लेकिन उसका इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, फॉरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। बट ये डिपार्टमेंट आज भी हिंदुस्तान में आई एफ एस, ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर वगैरह बोलते हैं। ये कब आया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में, क्लियर। फिर एक एक्ट आया इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका नाम है इंडियन